नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मेरे चैनल का नाम गुरुग्राम रियल एस्टेट है। ये प्लॉट मैं लेकर आया हूँ 360 गज का, पालम विहार में। पार्क फेसिंग है, पार्क आपको पार्क व्यू मिलता है। काफी कस्टमर पूछ रहे थे कि पार्क फेसिंग कुछ इन्वेंट्री बताइए, तो ये उनके लिए जो स्पेसिफिकली पार्क फेसिंग ढूंढ रहे हैं। एंड ये पार्किंग स्पेस है, दो कार पार्किंग स्पेस मिलती है एंड सर्वेंट रूम मिलता है आपको हर एक फ्लैट के साथ एक। एंड शैंडलर की लिफ्ट है, अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी हियर, शैंडलर की लिफ्ट। आप अपने सिस्टम में देख लिया होगा कि कैमरा लगे हुए हैं आपके डोर्स पे, तो लेकर चलता हूँ आपको फ्लोर्स पे। जैसे कि मैं आपने देख लिया कि शैंडलर की लिफ्ट लगी थी, तो दिस इज द एंट्री। एंट्री करते ही अगर आप मेरी साइड से देखें, अगर आप अपनी साइड से देखेंगे तो राइट पे आपके तीन रूम आते हैं। एक रूम आता है लेफ्ट पे, किचन आपके लेफ्ट पे ही आता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग रूम, दिस इज योर लिविंग रूम कम डाइनिंग स्पेस। डिवीजन दिया हुआ है, तो आपका लिविंग स्पेस इधर आ जाता है, डाइनिंग इधर आ जाता है किचन के साथ। तो दिस विल बी द डाइनिंग स्पेस। एंड नाउ आई विल शो यू द लिविंग एरिया, दिस विल बी द लिविंग रूम। तो आप देख सकते हैं वॉल पे कितना अच्छा काम, ब्यूटीफुल काम करा हुआ है, पूरा अच्छे पैनलिंग करे हुए हैं, ब्रास भी दिया हुआ है, गोल्ड प्लेट भी दिया हुआ है एंड आपका वॉलपेपर भी डिजाइन करा हुआ है, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें थोड़ी बहुत फिनिशिंग रहती है अगर बाथरूम की बात करी जाए तो, बाकी सब अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी लगा कर दिया है कुछ शो पीसेस जो अच्छे लग रहे हैं वॉल पे, जो एंट्री करते ही आपको शो पीसेस दिखते हैं। तो फर्स्ट आपको मैं पहला बेडरूम दिखाता हूँ जो मेरे लेफ्ट में, आपके राइट में, दिस वन, दिस इज द बेडरूम। और हाँ फ्रेंड्स, जो इसकी बालकनी है ना, रनिंग बालकनी है, एल शेप में जो आपकी बालकनी है, फ्रंट की स्ट्रेट है, रनिंग बालकनी है, जो बैक साइड में वो एल शेप में है। पार्क फेसिंग प्लॉट है, तो पार्क आपके सामने है। दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम, आपका वार्डरोब स्लाइडर है, ये रहा आपका वार्डरोब, दिस विल बी योर वार्डरोब। अगर आप देखेंगे तो स्लाइड कर सकते हैं, मिरर लगा हुआ है इसमें, तो एक अच्छी फील देता है मिरर, आप अपनी शक्ल कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं, व्हेनेवर यू फील लाइक। इसी के साथ आपका बाथरूम है, बाथरूम में थोड़ी फिनिशिंग रहती है लेकिन अच्छी स्पेस है, इधर आपको साथ में मिलता है। एंड दिस विल बी द बालकनी, जो मैं बालकनी की बात कर रहा था, तो ये आपकी एल शेप में आती है। अगर आप देखेंगे, इफ यू कम एंड फॉलो मी, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बालकनी की स्पेस एल शेप में जाती है, तो अच्छी स्पेस है 360 गज में। अब ये आपका पहला बेडरूम मैंने जो आपको दिखाया था अभी, एंड यहीं से एग्जिट करते हैं, फिर मैं आपको सेकेंड बेडरूम दिखाता हूँ। नाउ आई विल शो यू द सेकेंड बेडरूम। अगर आप लिविंग रूम की भी बात करें तो आप देख सकते हैं आपका जो ऊपर भी काम करा हुआ है, तो शैंडलर के साथ वुडवर्क काफी करा हुआ है। एंड अगर आप फैन भी देखेंगे तो हेविल्स के लगे हुए हैं, तो काफी अच्छी क्वालिटी रहती है हेविल्स की। एंड दिस विल बी द सेकंड बेडरूम, इसमें भी आपका स्लाइडर दिया हुआ है, आपका वार्डरोब, आपका बाथरूम, और बाथरूम में ये थोड़ा ब्लैक ही फिनिश दिया हुआ है। आपका एंटी स्केटेबल फ्लोरिंग है, आप स्लिप नहीं करेंगे। इस डोर की भी बात करें तो ये साउंड प्रूफ है, तो अगर आपको बाहर की आवाज नहीं आएगी, वंस द डोर इज क्लोज, साइलेंस अच्छा है, मतलब तो वैसे ही पालम विहार काफी शांत है, अगर डोर बंद कर देते हो तो आवाज नहीं आती है। दिस विल बी योर थर्ड बेडरूम, आप देखेंगे तो इस रूम में आपका ग्लास का वो दिया हुआ है, थोड़ा वर्क करा हुआ है आपके दरवाजे पे, एंड लुकिंग वेरी ग्रेसफुल। एंड इधर आपका वार्डरोब एरिया आ जाता है, काफी अच्छी स्पेस है। अगर आप देखेंगे स्लाइडर में, काफी बड़ा वार्डरोब है, स्लाइडर ही दिया है इसमें। दिस विल बी योर बाथरूम, गीजर आपको मिल रहा है। अगर आप बात करें तो जैगवार की फिटिंग कर रहे हैं ये, इसमें बाथरूम में जैगवार की फिटिंग है, तो एल शेप जो जा रहा है वो एल शेप एंड इधर हो रहा है। तो पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम, जो एल शेप बालकनी दिखाई थी मैंने, दिस विल बी द थर्ड बेडरूम विद अ एल शेप वाला। आपको स्प्लिट यूनिट का वायरिंग पूरा कर दिया हुआ है एसी के लिए, आप एसी अपने मनपसंद का कराइए। वुडन डिवीजन दिया हुआ है आपका लिविंग और उसमें, तो ये भी काफी क्लासी लग रहा है भाई, यू नो, लुकिंग गुड। एंड आपका लिविंग रूम में आपका जो एसी फैन दिया हुआ है, डिजाइनर फैन है का, जो डिजाइनर आता है, तो काफी कैची लगता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी। नाउ आई विल शो यू द मास्टर बेडरूम, आपका मास्टर बेडरूम बिल्कुल एंटर करते के साथ ही लेफ्ट है, दिस विल बी योर मास्टर, यू कैन सी द वुडवर्क। अगर आप वॉल पे देखेंगे तो दिस विल बी द वुडवर्क, आपका काफी क्लासी फिनिशिंग दी हुई है। तो हर रूम की अलग अलग टच फिनिशिंग देते हैं बिल्डर, जैसे हर एक फ्लोर देखा है हमने, तो अलग अलग टच देते हैं, तो इसमें जो टच दिया हुआ है तो वुडवर्क का और आपका वॉलपेपर का अच्छा फ्यूजन दिया हुआ है, दिस इज अ गुड फ्यूजन। एंड नाउ दिस विल बी द रनिंग वार्डरोब, अगर आप देखेंगे स्लाइडर हर एक वार्डरोब है आपका मास्टर बेडरूम के साथ। एंड ये आपका बाथरूम स्पेस है, अभी इस बाथरूम की फिनिशिंग रहती है, वंस इट विल बी फिनिश। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्लोर, इसमें इन्वेंट्री बची सिर्फ दो ही हैं आपकी, सेकेंड और थर्ड फ्लोर। एंड नाउ आई गोना शो यू द रनिंग बालकनी, जो फ्रंट की है, जो आपको पार्क फेसिंग दिखाई है,
दिस विल बी द रनिंग बालकनी एंड आपके सामने आपका पार्क दिख रहा है, काफी अच्छी फिनिशिंग करी हुई है एंड दिस विल बी योर यूटिलिटी स्पॉट। यहाँ पे आपका यूटिलिटी स्पॉट है, 360 गज में पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। जल्दी करिए, लिमिटेड इन्वेंट्री है, कॉल करिए ऑन दिस नंबर। इफ यू लाइक माई वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्लीज बॉस if you like the property and want to buy this property call on this number as soon as possible. Thank you.